नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑटो ग्लैमर और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में जो आपको बिल्कुल नहीं पता होंगी और गाड़ी के रखरखाव के बारे में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपका बहुत सारा पैसा भी बचा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज ऐसी ट्रिक्स के बारे में। अगर आपकी गाड़ी अंडर वारंटी है और आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने जा रहे हैं तो हमेशा आप सर्विस मैनुअल को पढ़कर ही जाएं। सर्विस मैनुअल में हमेशा उसके गाड़ी के डिटेल्स लिखे होते हैं कि कितने किलोमीटर पर क्या क्या चीजें होनी है। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो डीलर्स आपको बेवकूफ बनाएंगे, बोलेंगे कि सर आप DPF साफ करा लो, फलाना करा लो, ये करा लो, और आपके जेब को भारी झटका लग सकता है। इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। हम गाड़ी का पहले बटन दबाएंगे या फिर की घुमाएंगे और हमें गाड़ी को डायरेक्ट सेल्फ नहीं देनी है, स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आजकल की गाड़ियों में ECM आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल होता है जिसके अंदर सारी कैलकुलेशंस होती हैं। अगर हम डायरेक्ट ही सेल्फ मार देंगे या फिर स्टार्ट हम गाड़ी को डायरेक्ट ही कर देंगे बिना वेट किए तो क्या होता है, उस मॉड्यूल की कैलकुलेशंस ख़राब हो जाती हैं और बाद में हमें बहुत महंगा झटका लग सकता है दोस्तों। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। मानसून के दौरान हमें हमेशा हैंड ब्रेक लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी एक या दो दिन से तीन दिन से ज्यादा खड़ी रही है और बारिश में भीग चुकी है तो क्या होता है कि हैंड ब्रेक में हमेशा लीवर में स्प्रिंग और वायर का यूज किया जाता है, और जिससे क्या है कि ब्रेक कैलिपर जाम हो जाते हैं और आपके ब्रेक्स कभी कभी लगे के लगे रह जाते हैं हैंड ब्रेक खोलने के बाद भी। इस चीज का भी ध्यान रखें दोस्तों। हमेशा गाड़ी को साफ करते समय कभी भी कपड़े को हमें राउंड नहीं घुमाना है, इसको हमेशा अपवार्ड टू डाउनवार्ड लेके आना है, क्योंकि जो धूल के जो कण होते हैं वो कपड़े के साथ इस गाड़ी के पेंट पे स्वर्ल मार्क्स बनाते हैं। इस गाड़ी का तो व्हाइट पेंट है, लेकिन अगर दूसरा अलग अलग पेंट होगा, अलग कलर का पेंट होगा, तो उस पे वो स्वर्ल मार्क हमेशा दिखाई देंगे। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी के हेडलाइट को हमेशा ही आप ऑटो पे रखें, या फिर ध्यान रखें कि जब भी सनसेट होने वाला हो उससे आधे घंटे पहले हमेशा गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि हेलोजन लाइट्स और बल्ब को गर्म होने में बहुत टाइम लगता है और विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ भी सकती है। इसीलिए आपको हमेशा हेडलाइट्स को आधे घंटे पहले ही आपको ऑन कर देना चाहिए। गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। हमेशा आप कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं या फिर ऑफ रोडिंग आपने की है या फिर हर 2 से 3 हजार किलोमीटर या 4 हजार किलोमीटर के आसपास आपको व्हील अलाइनमेंट कर देना चाहिए, करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये 500-600 रुपए की खर्च आपके आपके जेब पर कभी भी भारी नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको मोटा हर्जाना देना पड़ सकता है और लगभग आपके टायर भी चेंज हो सकते हैं, जो काफी महंगा आपको पड़ सकता है फ्यूचर में। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियां बहुत पड़ रही हैं और जब भी हम धूप से गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है और गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, और ऐसे में गाड़ी को ठंडा होने में काफी टाइम लग जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक। इस ट्रिक में क्या है कि आप एक गाड़ी के अंदर एक गीला कपड़ा रख लें, जिससे क्या है कि मॉइस्चर सोख कर आपकी गाड़ी बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी दोस्तों, और आप हमेशा आपकी गाड़ी में हेल्प मिलेगी टेम्परेचर कंट्रोलिंग में। तो ये भी आपका एक बहुत अच्छी टिप्स है जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। धन्यवाद। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। तो इसीलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि मैं आगे भी इम्प्रूव कर पाऊँ। धन्यवाद। चलाइयो पंखा गर्मी मर गो।